अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल बोझ बहुत इंटरेस्टिंग बन चुका है। इसके आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि हानिया गुस्से में आती है और अपनी माँ को कहती है कि मैंने भी वासन को माफ़ कर दिया और प्लीज़ आप भी उसे माफ़ कर दें। यह सब सुनकर दिलशाद बेगम बहुत ही गुस्से में आती है और वो कहती है कि आपको पता नहीं कि वो हमारे कितने दुश्मन हैं, मैं उनको माफ़ नहीं कर सकती। लेकिन हानिया कहती है मैं अब घर जाना चाहती हूँ और मैं उनको माफ़ कर दिया है, तो ये कहकर हानिया चली जाती है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि अमल के पास किंजा आती है और वो कहती है कि भाई आपका भाई दोस्त है और भाई अपने भाई को कहे कि किसी अच्छी लड़की को देखकर शादी कर लो, क्योंकि वो अब किसी के सहारे नहीं करना चाहता, उसे कोई शादी कर ले। लेकिन अमल कहती है कि वो आपका भाई मेरी कैसे बात मानेगा, मैं उसकी दोस्त थी लेकिन वो अब मुझसे बात नहीं करता और मैं वो बात कैसे माने। लेकिन गिंजा कहती है वो आपकी बात ज़रूर मानेगा, एक बार आप कहें तो सही। लेकिन फिर भी अमल कहती है अगर मेरी बात मानेगा तो मैं उसे कह दूँगी किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो और अपना घर बसा लो ये सब। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि हानिया जो है वो वासल के पास आती है और वासल कहता है कि हानिया को कि तुम अपने घर अपनी माँ को छोड़ दो और अपने माँ के पास जाना छोड़ दो। तो हानिया कहती है कि मैं कैसे अपनी माँ के छोड़ सकती हूँ और अपनी माँ के घर जाना छोड़ सकती हूँ। तो वासिल कहते हैं अगर अपने घर बसाना चाहती हो तो अपने माँ को छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर जैसे आपकी मर्ज़ी। तो हानिया कहती ये सुनकर कहती है कि आप और हम दोनों मोहब्बत की शादी हुई थी हमारी, लेकिन आपको अब क्या हो गया है, आप बहुत बदल चुके हैं। तो वासिल कहता है मैं बदला नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है, अगर आप नहीं छोड़ सकती तो आपका घर कभी भी नहीं बस सकता। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि अब ये देखेंगे कि मिनहाल जो है दिलशाद बेगम के पास आएगी और कहेगी कि तुम आसम को और अमन को घर से निकाल दें, क्योंकि वो एक दूसरे को दोस्त हैं, वो आपके आपसे छुप छुप के वो एक दूसरे को मिलते रहे हैं, वो आपको आपके लिए बेहतर यही होगा कि उनको घर से निकाल दें। ये सब देखेंगे आप आने वाले एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।